अस्सलाम वालेकुम, आज मैं आपको लेके आया हूँ ग्रेस लॉर्ड पार्क बूंटन न्यू जर्सी। ये मेरे घर से तकरीबन 6-7 मिनट ड्राइव के फासले पर है। ये ग्रेस लॉर्ड पार्क बूंटन न्यू जर्सी या फॉल होता है। ये न्यू जर्सी का सेकंड लार्जेस्ट फॉल माना जाता है। पहला जो है पैटरसन में है, जिसका व्लॉग मेरे पास मैं बना चुका हूँ अपने यूट्यूब पर, आप देख सकते हैं पैटरसन का। ये सेकंड लार्जेस्ट फॉल है यहाँ पे बूंटन में, बूंटन न्यू जर्सी में ये वाक़ है। यहाँ से तकरीबन 6-7 माइलेज दूर है मेरी रिहाइश, तो मैंने कहा कि चले आज ऑफ भी था जॉब का, तो आपको यहाँ एक्सप्लोर करा दूँ, इसके विजिट करा दूँ, इसके बारे में बता दूँ कि ये क्या है और ये फॉल का बारे में, और फॉल को करीब से दिखा भी दूँ वाटरफॉल यहाँ होता है कैसा होता है। ठीक है, ये गाड़ी पहुँचे यहाँ से लॉक कर देता हूँ। ओके, चले अंदर की तरफ चलते हैं। इसका नाम है ग्रेस लॉर्ड पार्क बूंटन न्यू जर्सी। आज बारिश भी हो रही है और दोपहर के 3 बजे हैं। इस बार आज की तारीख 29 दिसंबर 2023 है। तकरीबन 3:05 के करीब हुए हैं। बारिश हो रही है, ठंडा मौसम है, इसलिए मैंने जैकेट वगैरह भी पहन लिया है ताकि सर्दी ना लगे। सर इतनी ज़्यादा सर्दी तो नहीं है, बर्दाश्त हो जाती है। मौसम अच्छा है माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। आप हरियाली देखें, हर जगह हरियाली हरियाली। खूबसूरत टाउन है और ये खूबसूरत फॉल आपको मैं दिखा रहा हूँ। सेकंड लार्जेस्ट फॉल ऑफ न्यू जर्सी, फर्स्ट जो है, पहला जो है बड़ा फॉल जो है वो पैटरसन में है। अच्छा, वो भी इस वक्त से 5-7 मिनट के फासले भी था हमारे हाउस से, क्योंकि अब हम यहाँ बूंटन में मूव हो चुके हैं, तो ये वाला भी फॉल हमारे घर से इतने ही फासले पर है। इसका 5-6 मिनट लगते हैं बाई रोड आने में। बड़ा खूबसूरत देखें, जबरदस्त है माशाल्लाह। ठीक है, बूंटन का वाटरफॉल ब्यूटीफुल मंजर पेश कर रहा है। बारिश भी हो रही है, ठंडा मौसम भी है, खुशगवार मौसम माशाल्लाह। और देखें हरियाली हरियाली। ऊपर से ये रोड गुजर रहा है,
का माशाल्लाह। अब मैं आपको दूसरी जानिब पे चलता हूँ। आइए ऊपर से चलते हैं, यहाँ से दूसरी जानिब। रोगी लेके जा रहे हैं, यहाँ अमेरिका में ज्यादा रिवाज है, हर कोई रोगी कैट वगैरह सब लाजमी पालते हैं घरों में, और बहुत ज्यादा खिदमत करते हैं जानवरों की जगह। ये देखें, बाहर रोड से मैं ग्रेस लॉर्ड पार्क फाउंटेन का आपको नजारा करा रहा हूं, कितना खूबसूरत दिखे। दो दिन बाद क्रिसमस भी है यहाँ पे, लोगों ने अपने मकानात को भी बड़ा अच्छा डेकोरेट किया हुआ है और जबरदस्त तरीके से चरागा ही चरागा करते हैं क्रिसमस के दिन। न्यूयॉर्क में तो बहुत ज्यादा पैमाने पे ये रोशनी ये चरागा और धूम धड़ाका करते हैं लोग। मेरे यहाँ घर से तो बाई रोड जाएं तो तकरीबन 40 मिनट का सफर है यहाँ से। पूरी इसकी हिस्ट्री लिखी गई है, मॉरिस, ये मॉरिस हमारी काउंटी कहलाती है मॉरिस, और पूरी इसकी हिस्ट्री 1831 से लेके 1924 तक का ये पूरी इसकी हिस्ट्री यहाँ पे बयान की गई है, कौन लोग आबाद थे और कैसे ये स्टार्ट हुआ, तस्वीरें देखी इन सबकी। सब कुछ इसमें लिखा है और मॉरिस ये हमारे माउंटेन टाउन के थोड़ा नक्शा भी है, सारे हाउसेस वगैरह का किस कंपनी ने बनाया है। माउंटेन ये 1860 में माउंटेन वाज ओरिजिनली फॉर्म इन 1866 विद इन दी बाउंड्री ऑफ हैनोवर। अठारह सौ साठ में ये बनी है एक तरह से, और इसकी जो कितनी कास्ट आई है सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। इमरजेंसी भी कॉल अगर कोई हादसा हो गया वगैरह तो, और ये देखें यहाँ से कॉल बताया दिखता है वहाँ से आता हुआ रोड है और नीचे से ये पानी गुजर रहा है।
पे ट्रेल है बहुत लंबी। ये पत्थर जो है ना वो चिकने हैं, मेरे बेटे ने मुझे कहा था कि जरा पत्थरों से बचना, इसमें चिकनाहट होती है तो मतलब फिसल भी गए इसमें। तो मेरा मैं बड़ा एहतियात करूँगा, मैं तो वहाँ तक नहीं जाऊँगा कि इतना खतरा ले लाजमी टिकनाट होती है इसमें, जो अगर वहाँ पर जाएगा और पत्थरों पर खड़ा होगा तो उसमें फिसल जाने का भी खतरा होता है इसको। ये फॉल माशाल्लाह वहाँ से होता हुआ आता है, बहुत दूर से देखें, और ये है पार्क में। आइए अंदर एंट्री देते हैं। बारिश भी हो रही है, सर्दी है मगर इतनी ज्यादा नहीं है। यहाँ से इसकी यहाँ से एंट्री है इसकी माशाल्लाह। क्योंकि अभी ट्यूनिंग नहीं हुई, अगर जब रोशनी होगी तो ये बहुत ही अच्छा लगता है ये जो है, क्योंकि लाइट जलती है तो ये पोंटोन मेन स्ट्रीट ये कहलाती है, बहुत अच्छी है देखिए। और बैक साइड में ग्रेस लॉर्ड पार्क इसका नाम है, ग्रेस लॉर्ड पार्क का। ये यहाँ पे एंट्री दे रहे हैं, सामने ये देखिए बच्चों के झूले भी लगाए हुए हैं। गाड़ी थोड़ी सी आगे है, सही टाइम 3:25 में हुआ है मगर ये 4:25 बता रही है, एक घंटा ये आगे है। यहाँ तो इसका टाइम चेंज नहीं किया जो एक घंटा भी वो पीछे हुए। ये बच्चों के झूले हैं, ये देखिए मशरूम कितना खूबसूरत, देखिए कितना खूबसूरत है मशरूम। बच्चों के ये प्ले एरिया है, ये फ्री है सब, बच्चे तबक से आज नज़र नहीं आ रहे। ऊपर रेजिडेंशियल लोग हैं, लोग रहते हैं रेजिडेंशियल। बच्चों के झूले, ट्रक कितना खूबसूरत बना है, झूले देखें। ये ट्रक देखिए कितना खूबसूरत है, लकड़ी का बना हुआ है, वुड का बना हुआ। सब बच्चों ये बैठने की फैमिली की बैठने की जगह है, इधर भी फैमिली बैठती है। यहाँ से होते हुए फिर नीचे जाएगा, फॉल गिरेगा यहाँ से।